Guys, we have reached airport, just checked in. अभी time हो रहा है 3:45 और flight हमारी 6:20-6:30 है. अभी दो घंटे हैं तो थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद मुंबई में हम लोग हॉल्ट करेंगे शायद 45 मिनट्स का, उसके बाद सीधे माले मालदीव्स. तो देखते हैं कैसा रहता है ट्रिप. फन फैक्ट, दोनों पहली बार जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे. और डेफिनेटली हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम इन 3 दिनों में हमारे साथ हमने मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस किया. तो आपको हमारे जो व्लॉग्स हैं वो पार्ट वाइज देखने को मिलेंगे. सो आज हमने 23rd को हम फ्लाइट पर बोर्ड करेंगे, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग. और आपको टिल 3rd डे तक हम आपको जो भी होगा वो आपको सारे प्रोसेस हाँ ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतना शूट करें और दिखाएँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं. सब कुछ खुद से किया है, सब कुछ खुद गूगल किया, बुक किया, पता किया. काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था. अभी वहाँ जाके देखते हैं कैसा रहेगा. तो ट्राई करेंगे कि हर दिन का अलग से एक वीडियो एक व्लॉग बनाएं और आपको दिखाएं कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस. और उसके बाद हम लोग एक वीडियो ऐसे भी बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सब बुक किया और सब मतलब कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा. तो कीप वॉचिंग और देखते हैं कैसा होगा एक्सपीरियंस. हाँ, सो हियर इज आवर कॉफी. और हमारा इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा वो है पता नहीं. एक वनीला है और आई गेस एक क्या था, एक वाइट चॉकलेट. हाँ, एक वाइट चॉकलेट कॉफ़ी है और एक वनीला लाटे और आई थिंक हरा टिक्का सैंडविच. तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट. हाँ, अभी टाइम है क्योंकि बोर्डिंग में, तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं. हम पहुँचेंगे वहाँ पे आई थिंक अराउंड, भूख नहीं है पर ठीक है, आए तो कुछ खा लेते हैं. हाँ. और क्या, ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट के बाद. बहुत ही ईजी है, मतलब इट टुक 5 मिनट्स टू गेट द वीज़ा एंड 2 मिनट में वी मेट द गाय हु विल टेक अस टू द रिजॉर्ट. और आई थिंक 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, 1 घंटे में रिजॉर्ट पहुँच जाएंगे. और अभी यहाँ पे 12:30 हो रहा है इंडिया में और यहाँ पे 1/2 आवर का डिफरेंस है, राइट. तो आधे घंटे का अंतर है. तो अभी यहाँ 12:30 हो रहे हैं तो इंडिया में 1 बज रहा होगा. तो आई थिंक 2 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे. तो उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा आज का प्लान. एक्चुअली बोर्ड करी है तो सब लोग बहुत सही है, मतलब चिल है. हार्डली 10 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. देखते हैं कैसा रहेगा डे वन. यस, और यहाँ का इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री है. तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी तो हो रही है, नो डाउट. सो हमने ये सोचा नहीं था कि फेब मंथ में लास्ट में करेंगे तो इतना ज़्यादा हो जाएगा. शायद थोड़ा और करते हैं जनवरी या फेब की स्टार्टिंग में करते तो इतना शायद नहीं ह्यूमिडिटी होती, बट अभी है थोड़ी ह्यूमिडिटी. बट ठीक है, बट यहाँ का बिल्कुल वाइब्स बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है. सो डेफिनेटली वी विल हैव फन. सो देखते हैं आगे की जर्नी क्या होती है. सो व्हाट अ व्यू, साफ साफ पानी है, मजा ही आ गया यार. फाइनली Thank you.
और अब हम इस वाले बोट पे जाएंगे, तो सारे लोग इसमें बैठेंगे, उसके बाद ये बोट हमें लेके हमारे अपने अपने रिजॉर्ट्स लेके जाएगी। वाटर कितना क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बिल्कुल ब्लू वाटर, ऐसा व्यू वाओ। फाइनली वी आर एट अदारनरानाली। सो हम अपने रिजॉर्ट आ चुके हैं, अभी हम जाएंगे रिसेप्शन पे, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं लाइक पासपोर्ट और हमें आरटीपीसीआर नेगेटिव आरटीपीसीआर देना है, वो हमें सबमिट करना है, बट मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ का व्यू। देखो व्यू देखो भाई लोग। ओहो वो देखो, उसी की बात कर रहे थे हम, राइट। Okay, so we'll have now our welcome drink. Yes. Thank you. Yes. So, Mari, welcome ho chuki hai. So, ye mera registration form mila hai, and we have to fill this. So guys, we are going for lunch. और lunch के बाद we will be getting our keys. Then we'll move up to our room and we'll show you guys ये room कैसा है. तो देखते हैं, अभी फटाफट lunch करते हैं और lunch के बाद फिर मिलते हैं. Thank you. So guys, ये यहाँ का bar है. Actually यहाँ पे दो bar है, एक cocktail bar है और एक mini bar है. This is the cocktail bar. I think रात को यहाँ पे band will perform live. So that's the bar और this is the deck. So so that's the point from where we entered. Incredible. Yes, sky. सब लोग बैठे हैं desk पे. अब वो सामने हो रहा है सनसेट और बैकग्राउंड में मस्त म्यूजिक, मतलब दिल नहीं कर रहा है यहाँ से उठ के जाने का, इतना प्यारा व्यू है, वर्थ है लिटरली। वाओ कैसा लग रहा है फर्स्ट हमारी इंटरनेशनल ट्रिप। हाँ मस्त लग रहा है यार, मतलब दोपहर में पैसा वसूल। दोपहर में हालत खराब थी, हम लोग आए फटाफट खाना खाया और नहाए सो गए। बहुत मतलब गर्मी लग रही थी, ह्यूमिड था, बट अभी तो एकदम मतलब मस्त हो गया मौसम। पहले हम बहुत कंफ्यूज थे कि अदारनरानाली को हम बुक करें या ना करें, क्योंकि हम कंफ्यूज थे मेदु खुशी और इसमें, बट नाउ वी आर टोटली सेटिस्फाइड कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। इट इज़ बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। यहाँ पर अपना डिनर ले लिया है, देयर आर सो मेनी वैरायटीज। सो गाइस अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, डे वन इज अबाउट टू एंड, वी हैव बुफे एंड आई थिंक 30-40 प्लस वैरायटीज आर देयर, बट हाँ जो वेजिटेरियन है उसके लिए बहुत कम ऑप्शन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू विल लव इट। इसके बाद वी गो टू दी बार, वहाँ पे आई थिंक डीजे नाइट है, सो विल सिट देयर, विल हैव सम ड्रिंक्स एंड विल बी देयर टिल 12 o'clock। मतलब आज का दिन ही खत्म करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो विल ट्राई टू कैप्चर, अदरवाइज कल मिलते हैं डे टू। मैंने भी अपना ये ऑर्डर किया है, हाफ फ्राई एंड ऑमलेट। तो आप यहाँ पर लाइव काउंटर्स भी हैं यहाँ पर, तो आप अपना जो भी खाना चाहते हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑमलेट यहाँ ऐसा है कि हर टाइम मेन्यू चेंज होता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर का।
नहीं मतलब अभी है, मतलब यहाँ से अंदर से। ये है ब्रेकफास्ट डाइनिंग एरिया और इसके जस्ट सामने का ये है व्यू। रूम क्लीनिंग के लिए हमने बोल दिया है ताकि हम आपको फिर अच्छे से एक रूम टूर दे सकें यहाँ का, क्योंकि कैसी यहाँ की प्रॉपर्टी है। बट और फिर उसके बाद हम लंच के लिए जाएंगे, देन डेफिनेटली वी विल टेक यू अलॉन्ग विद अस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। रूम क्लीन हो चुका है तो अब हम आपको दिखाते हैं अपना रूम टूर, यानी कि जो बीच बंगलो हमने लिया है दो दिन के लिए। वैसे हमारा दो दिन बीच बंगलो है और एक दिन वाटर बंगलो है, कल हम वाटर बंगलो में शिफ्ट होंगे। तो आज मैं आपको बीच बंगलों पे जो हमें प्रॉपर्टी मिली है, जो हमारा रूम है, वो हम शो करते हैं आपको, दिखाते हैं कि कैसा है। सो यहाँ से हम एंटर करते हैं, अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। सो जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, आप यहाँ पर सिटिंग एरिया भी दिया है, दो काउचेज हैं, आई मीन चेयर लगे हैं, तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं शाम के वक्त। बाहर का एरिया कुछ ऐसा है, यहाँ बालकनी है, यहाँ से व्यू उतना क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, बट शाम के वक्त अच्छा लगता है काफ़ी। तो इस एरिया में हम चाहें तो बाहर बैठ भी सकते हैं, यहाँ लाइव जैकेट दी हुई है। अगर आप जाते हैं सी में तो ये आप अपने रिस्क पे जाते हैं, ये टॉवल दे दिया है यहाँ पर, ये स्टैंड है, अगर आपको कपड़े धुलते तो यहाँ पर हम हैंग कर सकते हैं उसको। अब हम चलते हैं रूम टूर के लिए अंदर। सो रूम ओपन करते ही यहाँ पर दो चेयर्स दी हुई है और ये एक टेबल है, राइट। यहाँ पर आपको एक मिनी बार दिया हुआ है, जस्ट लाइक आप यहाँ पर कुछ भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसको, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और यहाँ पर पानी है, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, अगर आप चाहें तो आप इसे हाँ ले सकते हैं। केटल दिया, अगर आप गर्म पानी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हम मूव करते हैं इस एरिया में, ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया, इतना बड़ा सा मिरर दिया है, इस पे काफी भी बैठ सकते हैं, गेट रेडी। यस, यहाँ पर बैठने का एक लैंप दे दिया है। वैसे इस रूम की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं बहुत हार्श लाइट नहीं है, सब जगह ऐसी बहुत सॉफ्ट एम्ब्रेड लाइट है जो येलोइश है। सो यहाँ पर आप, हमने ऑलरेडी अपना अपना सामान रख दिया है क्योंकि हम आज मॉर्निंग में भी रेडी हुए थे। तो इस एरिया में यहाँ से हम बालकनी में जा सकते हैं, रूम का जस्ट एंटर करते ही हमारे पास एक ओपन कर सकते हैं, डोर है, हाँ, बट हमने हटाया नहीं है, हमने यूज़ करने के लिए ये टेबल भी यूज रखा हुआ है। देन इसके साइड में आता है हमारा वार्डरोब, हमने ऑलरेडी यहाँ पर कपड़े अपने लगा दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है ये, अगर आपकी कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज है, जस्ट लाइक मनी है, आपका कोई ऑर्नामेंट्स है, या फिर पासपोर्ट, लैपटॉप, तो यहाँ पर रख सकते हैं इसको, कोई डालें और पासवर्ड आप मेंशन कर सकते हैं। 627 एंड लॉक। दोनों बेड साइड, बेड के दोनों साइड हमारे विंडो दिया हुआ है और जस्ट बेड के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मिरर है। ये है हमारा बेडिंग एरिया, सो काफी स्पेशियस है, मतलब दो लोगों के लिए बुक काफी है, सफिशियंट है। ये हमारा वॉशरूम, सो एंटर करते ही यहाँ पर टॉवल मिल जाएगा आपको, हेयर ड्रायर है, राइट। यहाँ पर कुछ बॉडी लोशन है, शैम्पू है, बॉडी वॉश है और सोप है, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अपना अगर कैरी किया है तो इट्स फाइन, आप अपना यूज करें, राइट। बट यहाँ पे फैसिलिटीज आपको सारी मिलेंगी और टाइम टू टाइम आपके क्लीनिंग के लिए भी आएंगे, और अगर कोई चीज कम पड़ जाती है तो आप उसको फिर से दोबारा भी मंगा सकते हैं। ये है नहाने का एरिया, स्लाइडर है, हाँ, तो इसका जो गेट है वो स्लाइडिंग है, स्लाइडर। सो दो दो शावर है, एक हैंड शावर है, एक यहाँ पर, एक ये है।
आप फील कर सकते हैं कि हाँ आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पे हैं, ऐसा है। सो दैट्स इट, मुझे लगता है यही है। और हमारा रूम नंबर है 212। कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके फोटोज ले सकें। अब देखते हैं कि हम कितना अंदर जा पाते हैं पानी में। मैन इट्स अमेजिंग यार, पानी बढ़ तो नहीं रहा। ये ना मेरा 2 मिनट में सूख जाएगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन मैं जान नहीं, वहाँ देखो ना पानी बहुत ज्यादा है। पानी ज्यादा नहीं, मैं हेड कम है। हाँ हाँ, आओ आओ। अब तो तरीका है डेयरिंग करने। So we are going here. यार। Oh God. आओ आओ आओ। नहीं छोड़ना, चल प्लीज। नहीं छोड़ूंगा, चलो। खुद बैठ जाओगे कि मुझे उठाना पड़ेगा? यार। अरे बैठो, बैठ जाओगे, इतनी भी छोटी नहीं है हाइट। नहीं आएगा। बैठ जाओ ना। नहीं ना आ रही हाइट पे। कूद के बैठो, कूद के जम मारो, जम मारो। काले हम लोग ऑलरेडी हैं। हाँ इतने गोरे हम हैं भी नहीं वैसे। भाई पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ये कमर तक है। हाँ इंडियंस की हाइट के लिए कमर तक है। अगर फॉरनर से तो उनके लिए तो ठीक है भाई, पूरी पैंट गीली होगी भाई। बात करते करते हम इतना आगे चले गए कि हमारा रूम ही नहीं मिल रहा अब। मतलब काफ़ी पीछे छूट गया, हम बात करते करते बिल्कुल आगे पहुंच गए। हाँ सो गाइस वी आर रेडी गोइंग फॉर लंच डे टू। नहाने के बाद हम कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। और अभी एक्चुअली यहाँ पे लंच का टाइमिंग है 12:30 to 2:30, तो हमें उसके बीच में ही जाना होता है लंच करने। लंच है और वही अदरवाइज लंच आपका सेम टाइमिंग एवरी डे। और सबके लिए यहाँ पर टेबल भी बुक होता है आपके रूम नंबर के अकॉर्डिंग, तो हमें वहीं पर जाके बैठना होता है। एक बार अभी दोपहर का व्यू देख लेते हैं, थोड़ा पानी शाइन कर रहा है। यहाँ पर अच्छा क्राउड होता है डेक के पास, सारे बाहर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ इवनिंग स्नैक्स भी होता है एंड बेवरेजेस ड्रिंक्स भी चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे शाम का अच्छा हो जाता है मौसम। बाकी अभी चलते हैं, सबसे बेस्ट यहाँ का खाना ही है भाई। हाँ बुफे है और अनलिमिटेड है जितना भी खाना है, और वैरायटीज़ बहुत है यार, स्पेशली फॉर नॉन वेजिटेरियन बहुत वैरायटीज़ है। नहीं ऐसा नहीं, वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, मतलब जो हम इंडिया में खाते हैं। हाँ तो अभी चलते हैं लंच करते हैं। लंच जैसा कि बोला यहाँ का बेस्ट है क्योंकि हाँ कल हमने जल्दी में किया था लंच, तो हमने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था लंच को। हम जैसे कल डिनर और ब्रेकफास्ट आज हमने अच्छे से किया क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि इतनी वैरायटीज़ होंगी। सो गाइज वी केम फॉर क्या बोलते हैं सनसेट व्यू, बट सनसेट व्यू मिला नहीं क्योंकि थोड़े से बादल थे और सन थोड़ा जल्दी छिप गया। प्लान था कि टाइम लैप्स लेंगे और आपको दिखाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। बट कल ट्राई करेंगे, एक्चुअली आज ठीक से प्लानिंग नहीं हुई। कल प्लान करेंगे कि सनराइज़ और सनसेट अच्छे से शूट करें, आपको दिखाएं। आते हैं रूम पे, थोड़ा चेंज वेंज करते हैं क्योंकि बीच पे गए थे, थोड़ा सा पैर वैर गीला हो गया, कपड़े गीले हुए हैं। बीच पे जाते हैं थोड़ा, सॉरी रूम पे जाते हैं, थोड़े कपड़े सुखाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। सो गाइज हम लोग वॉक पे गए थे एंड वी गॉट दिस क्या बोलते हैं शेल्स और रीफ्स एंड कोइंसिडेंटली इट्स इट स्मेल्स एज लव, सो आई थिंक दैट्स
sums up our honeymoon. Hey क्या हुआ? थक गई? Yes, हाँ बहुत थक गए. क्या क्या कि बहुत थक गई भाई? Bye, हम मिलते हैं आपसे कल. एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इसे शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में. मे बी किसी को हेल्प मिल जाए इस ब्लॉग से. और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. एंड इवन आपको वीडियो में भी शो हो जाएगा. एक डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग कि हाउ वी प्लान दिस ट्रिप और आगे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जहाँ भी हम ट्रिप पे जाएं वहाँ पे. सो कल हमारा डे 3 है एंड दैट विल बी फॉर वाटर बंगलो. सो डेफिनेटली हम वहाँ का भी आपको दिखाएंगे एंड कल कल क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं वो भी डेफिनेटली वी विल शो यू. सो दिस इज डे 2. कल ट्राई करेंगे कि वाटर विला का टूर दें, आइलैंड टूर दें और सनसेट सनराइज पॉसिबल हो तो वो भी दिखाएंगे. ठीक है, कल मिलते हैं. बाय बाय. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. डे 3 टू आवर चैनल. डे 3 इन मालदीव. सो आज थर्ड डे है. होपफुली हम जल्दी उठ गए, आज टाइम से उठ गए 5:30 बजे. हाँ, सो हम लोग जल्दी उठ गए और वी आर गोइंग टू सी सनराइज. होपफुली अच्छा दिखे, बादल बादल ना हो. अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा. हाँ, 6:20 का टाइम है मालदीव्स के हिसाब से. 6:20 का टाइम है. नाउ इज 6:05. सो वी हैव अराउंड 10-15 मिनट्स. सो होपफुली एक अच्छा व्यू मिले एंड विल ट्राई टू कैप्चर दैट. सो वो उधर आइलैंड है जहाँ पे हम रुके हुए हैं एंड हेयर इज द बीच एंड दैट्स द सन कमिंग अप. बहुत बादल है. हम लोग 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं बट यहाँ बहुत मतलब लो हाइट वाले बादल हैं. सनसेट हो चाहे सनराइज हो, 70-80% यही हो रहा है कि सन इज गोइंग बिहाइंड द क्लाउड्स. सो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग वाटर सफारीज होती हैं. सो दैट्स द बोट गोइंग. सो इन केस इफ यू वांट टू हैव डॉल्फिन और व्हेल सफारी और सनसेट और सनराइज पिक्चर्स अगर आपको क्लिक्स करने हैं तो दिस फेरी विल टेक यू इन द सी, मिडल ऑफ द सी एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम ओवर देयर. सो गाइज, वी हैव रीच्ड आर वाटर बंगलो. ठीक है, हम पहले वहाँ पर थे बीच बंगलो पे. ठीक है, दो नाइट हमारा वहाँ पर स्टे था और अभी हमें शिफ्ट किया गया है आज वाटर बंगलो में जो कि हमारा 1 नाइट स्टे है. सो यहाँ से इसकी एंट्री है फ्रॉम द ब्रिज और अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का जो रूम है और सारी चीज़ें हैं. इधर काफ़ी अलग अलग है, मतलब रूम लोकेट हो चुके हैं ऑलरेडी और काफ़ी दूर पे है, बट हमारा जो है वो स्टार्टिंग आते ही ब्रिज के पास ही पड़ता है तो इट्स प्लस पॉइंट फॉर अस. हमारा रूम नंबर है 403. सो एंटर करते ही आता है हमारा वॉशरूम. सो ये बेसिक वॉशरूम है, जैसा हमारा बीच बंगलों में था वैसे ही है सेम. यहाँ पर मिरर है, बेसिन है, कुछ हमारे यहाँ पर टॉयलेट्रीज आइटम्स हैं. राइट, ये है बेडिंग एरिया. सो बस ये तो बेसिक है, फिर करते हैं सीधे. यहाँ से विंडो का व्यू है, ये मतलब बहुत अलग है नो डाउट. हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा बीच बंगलो और वाटर बंगलो में. राइट, सो यहाँ से ये व्यू है. आगे हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, एक शैम्पेन और कुछ फ्रूट्स हैं ऑलरेडी पैक्ड है, अभी हमने यूज़ नहीं किया, अभी हम जस्ट एंटर ही कर रहे हैं रूम में. ठीक है, यहाँ पर ये टेबल है, बहुत बड़ा सा मिरर दिया है. अगर आप यहाँ पर तैयार होते हैं, रेडी होते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. देन अगेन टीवी, वहाँ पर जो टीवी थी वो वॉल टीवी थी, आई मीन वहाँ पर हैंग थी, यहाँ पर ये डेस्क पर है. सो टीवी है, टीवी के साथ स्पीकर भी है. सो इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल फोन वाया ब्लूटूथ एंड यू कैन प्ले योर सॉन्ग्स व्हाटएवर यू वांट. फिर है हमारा दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम और फ्रॉम द बेड. यस, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस रूम का है जो अब हम आपको शो करने वाले हैं. सो दिस इज द ग्लास फ्लोर एंड आई थिंक रात को लाइट वेट रहेगी एंड वी कैन सी fishes around there, so it would be good. देखते हैं कैसा होगा. So ये sitting area है. What else? Right. And ये हमारा bedding area. ठीक है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा वहाँ पर था. थोड़ा सा different है. Yeah. And here we have that same locker.
another section. Yeah, and an umbrella. ये किस काम का आएगा? धूप में निकल रहे तो काम आएगा नहीं तो नहीं आएगा. Exactly. तो यहाँ पर एक लैंप है अगर हम यूज करना चाहें. ऑलरेडी ये अभी जला हुआ है. यहाँ पे भी है स्पेसेस है अगर रखना हो चीजों को. मतलब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया है. आप कोई भी आपको आइटम्स ऐसा नहीं लगेगा कि मिसिंग है और आपकी नीड और आप उसे आपके पास नहीं है वो चीज उस टाइम ऐसा और नहीं ये है. ये मेरा पर्सनल डेक. ये है हमारा अपना पर्सनल बालकनी और अ पर्सनल डेक वेयर यू कैन सिट एंजॉय द साइलेंस ऑफ सी क्रिस्टल क्लियर वाटर. ठीक है यहाँ से हम पूल में भी जा सकते हैं एट आर ओन रिस्क. ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी वार्निंग दिया हुआ है कि ये स्लिपरी एरिया है तो ज़्यादा नीचे हम ना जाएं तो ही ज़्यादा बेटर है. और यहाँ पर फिश भी है जो कि मुझे अक्सर हमें शाम में ज़्यादा देखने को मिलती है. लाइफ जैकेट है. हाँ यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है. हाँ और ये व्यू है यहाँ से. सो मतलब लिटरली बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छे ये हालांकि हाँ वैसे तो आइलैंड बहुत बड़ा नहीं है जो जो अदारन क्लब रानहाली का जो रिजॉर्ट है ये बहुत बड़ा नहीं है एरिया में. बट स्टिल जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत है. A1 फैसिलिटीज़ हैं इसमें कोई दो राय नहीं है. बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है और डेफिनेटली हम तो फन कर ही रहे हैं. हमारे हनीमून पैकेज में हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज दिए गए हैं जैसे कि शाम में उन्होंने बोला है कि जो रूम सर्विस होगी जब क्लीनिंग होगी उसके बाद वो थोड़ा सा बेड डेकोरेट करेंगे एंड कुछ केक देंगे हमें. राइट तो वो अभी नहीं हुआ है वो शाम में होगा. तो डेफिनेटली अगर होगा हम व्लॉग करेंगे हम आपको शो कर देंगे. और रात में हमारे लिए एक रोमांटिक डिनर कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज किया गया है. वो हमें वहीं पर बीच पर ही जाना पड़ेगा वापस बीच बंगलों की तरफ वहीं पर अरेंज करेंगे. एंड आई थिंक हमने कहीं भी पढ़ा भी आज वहाँ पर बीच पार्टी भी है. बीच पार्टी भी है. यस देखते हैं क्या होता है. नो आइडिया मे बी शायद ड्रिंक्स हो डांस हो डीजे. दो दिन से तो हम जल्दी सो जा रहे हैं. हम आते हैं 11:30 बजे. विल सिट देयर टिल 12 o'clock होपफुली क्योंकि हमें कल ही निकलना है. हमारी कल फ्लाइट है तो हम डेफिनेटली वी विल बी लीविंग टुमारो अराउंड 9 AM. सो अभी चेंज करते हैं. डे 3 इज कंटिन्यूइंग स्टिल. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. हां एंड जस्ट लुक एट द व्यू. सो गाइस अभी हम लोग वॉक कर रहे थे एंड वी केम नो दैट आज फ्राइडे बीच पार्टी है और प्राइवेट बारबेक्यू पार्टी है ऑन द बीच. सो ये डेकोरेशन है एंड इट लुक्स अमेजिंग. मतलब हल्की हल्की लाइट्स है हवा बहुत अच्छी अच्छी चल रही है एंड डीजे इज इन द हाउस. और ये रहा बारबेक्यू का सेटअप. इट्स अमेजिंग. आई थिंक इट्स फ्राइडे नाइट स्पेशल. सो गाइस वी हैव कम टू आवर कैंडल लाइट डिनर. तो एकदम बीच के किनारे है. ठीक है और यहाँ पर ये सेटअप है आप देख सकते हो. दैट्स द कैंडल और ये हमारा टेबल है एंड वी हैव बीन असाइंड अ लाइक अ पर्सनल वेटर एंड ही विल बी सर्विंग आवर मील. और बहुत तेज़ हवा आ रही है यहाँ पे तो शायद उतनी क्लियर ना हो वॉइस मेरी बट इट्स मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है. मतलब आपको इसके लिए पहले बताना पड़ता है उनको कि अगर आप हनीमून पे आ रहे हैं या फिर आपको कोई पैकेज तो आपको यू हैव टू इन्फॉर्म इट. हाँ आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप हनीमून के लिए आए हुए हो एंड दे विल आस्क सम प्रूफ्स मे बी मैरिज कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट और द लास्ट डे ऑफ योर पैकेज दे विल अरेंज दिस. सो दिस इज द ब्यूटीफुल सेटअप विद द कैंडल एंड एकदम बीच पे कैंडल लाइट डिनर. या फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर इन आवर लाइफ. सो दैट्स इट. एंजॉय करेंगे अपना डिनर और विल ट्राई टू टेक सम पिक्चर्स इफ पॉसिबल. विल अटैच इन द वीडियो एंड नाउ विल क्लोज दिस बिकॉज़ वी जस्ट वांट टू हैव दिस मोमेंट एंड वी विल आल्सो ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो. तो जो व्लॉग है वो डे 1 डे 2 डे 3 है बट इसके अलावा वी विल मेक अ वीडियो हाउ टू प्लान अ मल्टीप्लेक्स ट्रिप इन अ गुड बजट. सो उसके लिए एक और वीडियो करेंगे हम लोग. हाय गाइस गुड मॉर्निंग. सो टुडे इज डे 4 इन मालदीव्स एंड टुडे वी आर लीविंग. हमारी 12:30 की फ्लाइट है. सो वी गॉट द ब्रेकफास्ट हेयर इन आवर वाटर विला. सो दैट्स द ब्रेकफास्ट और डेक पे हैं. सामने इतना अच्छा व्यू है सी है एंड वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट. और कुछ बोलना है? हाँ बस जाने का मन नहीं कर रहा यार. बस थोड़ी सी बस प्रॉब्लम है कि दोपहर में गर्मी है ह्यूमिडिटी है. अदरवाइज बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे व्यू है बहुत ही अच्छा वेदर है इवनिंग में और मॉर्निंग में. एक अलग ही एक्सपीरियंस है. और मतलब अभी जैसे यहाँ बैठे हैं इतनी शांति फिर जाने का मन नहीं कर रहा है.
बट हाँ ये है कि जाना तो है. सो टुडे वी हैव फ्लाइट 12 o'clock, शाम तक हम घर पहुँच जाएंगे. देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा. ब्रेकफास्ट व्यू, दिस इज आवर ब्रेकफास्ट एंड दिस इज आवर व्यू. सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ये व्यू है, एकदम शांति, लहरों की आवाज एंड अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट. We'll be right back.